राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि जुम्बा तो अभी हो ही नहीं रहा शायद। कब देखो, मंडे से होगा कि कल परसों से होगा, कुछ पता नहीं है। अभी वॉक पे चलते हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे रात ठंडा ठंडा मौसम था ना, सेम ऐसा ही खूब अच्छा मौसम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, पहले वॉकिंग कर लेते हैं, फिर मिलेंगे। वॉक करके तो आ गए, और अभी मैं बोल रही थी सोनू को चलिए थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो बोले कि नहीं नींद आ रहा है थोड़ा सा। फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ दीजिए, फिर क्या करेंगे। मशीन लगा दी है अभी, बाकी ग्रीन टी बना ली है, तो ग्रीन टी भी पी लेंगे। उसके बाद मैं अभी देखते हैं नाश्ते में क्या बनाते हैं, फिर मिलते हैं आगे। दोस्तों अभी मैं बना रही थी देखिए पास्ता, तो मैंने देखिए इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। अभी मैं डाल देती हूँ शिमला मिर्च कभी कभी, और जब बच्चे नहीं बोलते तो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। तो अनियन देखिए काटी है, और ये देखिए पास्ता मैंने बॉईल करके यहाँ रखा हुआ है, तो अभी बना रही थी मैं। तो ये बस थोड़ी देर में हो जाएगी, उसके बाद मैं बना दूँगी पास्ता। और अभी इनका कपड़ा हो रहा है आयरन, वो खुद ही कर रहा है। तो उसके बाद मैं नहाएंगे, फिर नाश्ता वाश्ता हो जाएगा रेडी, फिर नाश्ता करके चले जाएंगे ऑफिस। और आज हमको जाना है बूस्टर डोज लेने के लिए, तो इन्होंने बताया था मुझे कल कि ऐसे से हो गया है, तो मैं कह ठीक है चले जाएंगे। तो देखते हैं फिर, अभी कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी, मिलते हैं। अभी देखिए मैं नहा ली और पूजा भी कर ली है, और अभी देखिए 10 बज रहा है, 10:10 होने वाला है। और एक्चुअली आज जाएंगे हम लोग वैक्सीन कराने, तो अभी देखिए नाश्ता कर रहे हैं सब लोग। और ये देखिए मेरा पास्ता रेडी हो गया, पास्ता मैक्रोनी अलग है, थोड़ा सा चेंज होता है ये पास्ता है। कर लेते हैं नाश्ता, फिर जाएंगे वैक्सीन कराने के लिए। तो अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल लेने के लिए वैक्सीन डोज, बूस्टर डोज जो है। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हॉस्पिटल, और चलिए चलते हैं आगे। यहाँ लगेगा वैक्सीनेशन डोज। हॉस्टल में ना ना, ये उससे तो कोई फायदा नहीं है वैसे। फोटो उठा लीजिए। हैं? अभी देखिए डोज भी ले ली है, हमने भी ले ली, सोनू ने भी ले ली। तो चलिए हम चलते घर पर, बच्चों को छोड़ के आए हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए हॉस्पिटल का गार्डन एरिया है। चलो जल्दी हो गया काम, टाइम से काम हो गया। चलिए आ गए हम घर। ये देखिए साया सुबह से इसी को लेके गन को घूम रहा है, मुझे ये पसंद आ गई है ना, पसंद आ गई। और देखिए इसने अपना ब्रेकफास्ट अभी तक खत्म भी नहीं किया है। तो अभी मैं बना रही थी सब्जी, तो आज मैंने ना तोरी बनाई है, तो देखिए बन रही है ये भी। और आटा मैंने गूंद के रख दिया है, बाकी का काम आगे कर लिया। अभी देखिए लंच हमारा हो गया रेडी, तो हम लोग कर रहे हैं लंच। और देखिए इधर सोनू आ गए हैं, साई भी है, ईशु भी है। देखिए ईशु का स्टाइल देखिए। तो चलिए पहले चलिए लंच कर लें। दोस्तों सोनू अभी जा रहे हैं ऑफिस, और उन्होंने मुझे चाय बना के दिया, चाय पी लीजिए। थोड़ा गले में खराश ज़्यादा हो रही है इसीलिए, और वो पी ली अपनी चाय, मैं थोड़ा लेट होगी पीने में, जा रहे हैं। चलिए बाय। देखिए दोस्तों साई जा रहा है साइकिल से। दोस्तों हम जा रहे हैं क्लब, और साई भी है साथ में, तो चलिए बैडमिंटन खेल लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे। क्या करता, बहुत सारा।
अभी चलते हैं घर। और देखिए आज 7 बज गया है, 5 बजे से पहले ही आई थी, 7 बज गया। आज काफ़ी मैच खेल लिए लेकिन पैरों में भी जान अब नहीं रही और ऊपर से गला पूरा एकदम चोक हो गया है। चलिए चलते हैं घर। तो अभी घर आ गए और मेरे को ना इतना एक चाँद पता नहीं क्यों हो गया, पता ही नहीं चला। कल तक तो ठीक था और आज सुबह से ये स्टार्ट हो गया एकदम गला ऐसा, क्या हो गया पता नहीं, एकदम पूरा ये सब दोबारा से पकड़ लिया। और आज पता है इतना थक गई हूँ मैं और मेरा हेडेक भी हो रहा, फिर भी ना मैं चली गई। मैं कि चलो ठीक है चले जाते हैं, एक मैच तो दो मैच खेल लेंगे। इसने हमने 6 सेट खेल लिए और एक फिर सिंगल सेट मैच खेला मतलब। तो भाई आज थक गई, इतना थक गई, पैर में इतना दर्द हो रहा है, लगता पैर में इतना दर्द हो गया बहुत ज़्यादा करके। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज हम इतना खेलें, क्योंकि आज का पता नहीं चल रहा था कि सब लोग थोड़ा सा किसी के पैर में लग गया, किसी को काफ़ी दिन के बाद खेलने से ना, तो कोई कोई ऐसा कर रहा था तो नहीं आए। खा रहा हूँ तो काफ़ी लोग आए नहीं, पहले हम 3 लोग थे तो हम सिंगल सिंगल खेल रहे थे, उसके बाद में एक और आ गए फ्रेंड, तो वो भी हम लोग फिर डबल खेलने लगे और हम 4 जने ही इतने सारे मैच खेल रहे हैं भाई आज। मैंने एक बच्चे के साथ ननू जो जिसका बर्थडे था कल परसों, उसके साथ भी एक मैच खेला उसके साथ भी मैच खेला। तो मतलब बहुत मैच हो गया, बहुत थकान, एकदम दर्द, ऊपर से जब खेल रहे थे तब भी दर्द हो रहा, लेकिन मैच में दिमाग रहने से ना कोई दर्द वही याद नहीं आ रहा था। बाकी अभी तो बैठ गए ना तो तब दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी इनको बोलूँगी तो बोलेंगे वैसे जाती नहीं हो और एक साथ खेली तो से खेलनी, अब बैठी रहोगी 2 दिन और आज बूस्टर डोज भी ले लिए तो बॉडी ऐसे भी हो रही है अलग सी। और ये तो हेड अक और ये तो हो ही गया मेरा आज का। चलिए अभी घर पे आ गए, अभी आधा घंटा 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ। थोड़ा सिवाई मैं बना के गई थी बच्चों के लिए कि आएंगे तो नाश्ता कर लेंगे बच्चे, बाकी फिर बाद में देखेंगे खाने पीने का। तो चलिए मिलते हैं। देखिए बहुत ठंडा लग रहा है, उन्हें फीवर आ गया, उन्हें छाले भी लग गए, इन्हें बहुत खेलने की वजह से इन्हें फीवर आ गया। मम्मी आपके छाले आ गए ना, दिखाइए छाले। छाले नहीं बेटा, ये रोए गूज बम्स, इतने सारे डूम बम्स आ गए। ये इन्हें कंबल उड़ा है, मैं इनके पास बैठा हूँ, ये फोन, ये बैठी हैं भैया बैठ जाती हूँ बार बार भी हो जाता है मम्मी मैं कुली बस। तभी तो दादी पूजा कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस हम खा रहे हैं अभी अपनी सिवाई, मामा ने बनाई है ये। तो अभी आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, वही बुखार आ गया जो इसके चलते। तो अभी मैं ना सिर्फ बच्चों को सेवई बना के रखी गई थी तो वो खा ली हम लोगों ने। अभी मैंने ना मैगी यिप्पी वगैरह डाल दिए कढ़ाई में तो वो बन जाएगी, बच्चे खा लेंगे। चाय बिस्किट हमने खा ही लिए तो आज का हो जाएगा जैसे तैसे, कल का कल देखेंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं बंद कर देती हूँ एंड, क्योंकि पता नहीं अब एडिटिंग भी कैसे हो पाएगी करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।